श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 10 अक्टूबर सोमवार के दिन पंचक का आखिरी दिन है और इस वर्ष के पंचक सोमवार के दिन समाप्त हो रहे हैं। ऐसे में यह बहुत ही अच्छी बात है और हर वर्ष के मुकाबले इस बार के पंचक गुरुवार से शुरू होकर सोमवार को समाप्त हुए हैं। आपको रात्रि 8 बजे से पहले सोमवार के दिन यह छोटा सा उपाय करना है। अगर आप यह उपाय पंचक के दौरान कर लेते हैं तो बहुत ही शुभ होगा। यह आपके पास अंतिम अवसर है महादेव को खुश करने का पंचक के दौरान। और आज सोमवार के दिन आपको क्या करना होगा कि एक छोटा सा उपाय आप करिएगा। यह उपाय 10 अक्टूबर रात्रि 8 बजे से पहले आपको करना होगा, क्योंकि उसके बाद पंचक खत्म हो जाएंगे। आज के दिन आपको क्या करना होगा कि एक स्टील के लोटे में शुद्ध दूध ले लीजिएगा। दूध लेने के बाद उसके अंदर आपको एक पुष्प डालना है। पुष्प आप कोई सा भी डाल सकते हैं। उसके साथ आपको एक बेलपत्री, कुछ कमल गट्टे भी दूध में डालने हैं। यह सब करने के बाद आपको यह लोटा अपने किसी भी नजदीकी शिव मंदिर में ले जाना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, साथ ही में आपको एक शुद्ध लोटा जल भी साथ में ले जाना है। एक और महत्वपूर्ण बात जहाँ आपको ध्यान देना होगा कि यह दूध आपको स्टील के लोटे में ही लेना है। तांबे के लोटे में यह दूध मत लीजिएगा। स्टील के लोटे में दूध और तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर किसी भी नजदीकी शिव मंदिर में जाने के बाद आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले जो दूध आप लेकर आए हैं, जिसमें आपने पुष्प और कमल गट्टे डाले हैं, उससे शिव का अभिषेक करिएगा। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिव को यह दूध अर्पित करिएगा, अभिषेक करिएगा शिव का पूरी विधि विधान के साथ। साथ ही में उसके बाद जो शुद्ध लोटा जल आप लेकर आए हैं उसे शिव को अर्पित कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शुद्ध लोटा जल शिव को बिल्कुल पतली धार से करिएगा। यह उपाय पंचक के समय ही आपको करना है। इसका फल, इसकी महत्वता पंचक के समय की ही बताई गई है। शिव पुराण में लिखा गया है कि सोमवार के दिन अगर पंचक आ रहा है तो यह बहुत ही शुभ रहता है। और ऐसे में अगर इस दिन इस समय पर पंचक के दौरान अगर यह उपाय कर लिया जाए तो आगे आने वाले जीवन में खुशहाली प्राप्त होती है। मैं आशा करता हूँ इस उपाय से जुड़ी हुई सभी जानकारी विस्तार पूर्वक आप तक पहुंच चुकी होगी। मैं यह भी आशा करूंगा कि आप पंचक के सोमवार के दिन पंचक खत्म होने से पहले यह उपाय अवश्य कर लेंगे। आप प्रातः 8 बजे से शाम रात्रि 8 बजे से पहले आपको यह उपाय करना है। विधिवत रूप से इस उपाय को करिएगा। इस उपाय के फल की प्राप्ति आपको जल्द प्राप्त होगी, साथ ही में महादेव की कृपा भी आपको मिलेगी। मिलते हैं नए वीडियो में। इस उपाय से जुड़ी हुई और कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऐसे ही उपाय आगे भी जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।